जिस तरह भी किया है इसी तरह फिर ऐसे करेंगे, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, एक पैर को भी मोड़िए ऊपर, दो, एक, दो। अब इसी क्रम में मुट्ठियां बंद करके इन हाथों को सिर्फ, पहले अभी सिर्फ हाथों का करना, पैरों का नहीं, हाथ की कलाई को पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज दो दो बार घुमाएंगे। कोहनी नहीं घूमनी चाहिए, हाथ सीधा रहे, सिर्फ हाथ की मुट्ठियां घूमेंगी। अब उल्टा, हाथ टिका के बैठ जाइए। अब ऐसा ही पैरों से करिए, छोटे छोटे आसनों के करने से आपके ये जोड़ों की जो बाजू निकल जाती है और आसन करने के लिए आपका शरीर तैयार हो जाता है। आप जो कल के दिन अर्ध तितली आसन कराया था पहले उसको करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर पद्मासन लगा के देखेंगे। एक पैर सीधा, दूसरा पैर उसके ऊपर एकदम पास में पकड़ा हुआ, घुटना पकड़िए। सब लोग पहले सीधा, उल्टा पैर जो है वही सीधा रखेंगे और जो सीधा पैर है उसको ऊपर रखेंगे मोड़ के। उल्टा पैर सीधा और सीधा पैर मोड़ के रखा हुआ, अपना सीधा हाथ भी सीधे घुटने के ऊपर रखा हुआ। अब कितना ऊपर और नीचे जा सकते हैं ऐसा करेंगे। उतना ही नीचे उतना ही ऊपर। आसन पैरों का स्लैब बनाता है कि पद्मासन ज्यादा देर तक लग सके, ऐसा ही आप दूसरे पैर से करिए। आंखों
आंखों खोलिए। अब पैर वज्रासन में सब लोग बैठिए, सीधे उठने के बाद खड़े होकर अंगूठा जुड़े रहे और एड़ी खुली रहे और बैठ जाइए। सभी आसन प्रातःकाल या खाने के 4 घंटे बाद किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद किया जाता है। इससे खाना अच्छी तरह पचता है। यदि कभी बहुत अधिक बेचैनी हो, खाना बहुत अधिक खा लिया हो, इस आसन में 10 मिनट बैठिए, काफी शांति का अनुभव करेंगे। इसी में बैठ के कम ही करना चाहिए, इससे बाल नहीं झड़ते। सीधे बैठ जाइए, एक के साथ हाथ ऊपर करेंगे, एक दो शशांकासन में लेटिए।
भैया पीछे झुकी है। अभी तो जेल में चिट्ठी पी रहे हो। किसी भी सुखासन में बैठ जाइए जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हो, यदि पद्मासन तो पद्मासन या सुखासन में। कल हमने आपको भ्रामरी प्राणायाम सिखाया था, वो इसके बाद करेंगे। पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम सिखा रहे हैं। दोनों उंगलियों को माथे पे रखते हैं, अंगूठे से ये नाक और इस उंगली से ये नाक बंद करते हैं और आंख बंद करके आंख तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हम कहेंगे नहीं। पहले एक बार हमारा देख लीजिए, इस नाक से इस अंगूठे से इस नाक को बंद रखेंगे, फिर इस नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे पांच बार। इस नाक को खोलेंगे नहीं, इस नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर इसको बंद करके इसी नाक से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे पांच बार। आप बंद करिए, ऐसे करिए। सांस जोर चली जा रही है, स्वाभाविक जो सांस चलती है वही रही है, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर दूसरी से सांस लेके पहली वाली से छोड़िए, ऐसा भी पांच बार करिए और जब हो जाए तब हाथ नीचे रख लेंगे, आंख बंद ही रखेंगे। लेके
आंख बंद रखिए, चलेंगे नहीं, इंद्र हो जाता है वो। हाथ नीचे रखिए, आंख मत खोलिए एकदम। हमारी तरह गुंजन करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बनती हैं। आंखें बंद ही रखिए, आंखें अभी हाथ बन के मत लगाइए, आंख बंद रखिए। हमारे की तरह गुंजन करने से अल्फा तरंगे बनती हैं, जो मस्तिष्क को ज्यादा क्रियाशील सक्रिय बनाती है। दो मिनट शांति से बैठे रहिए इसी में। सांसों की गिनती 10 से 1 तक उल्टी करिए। आई सांस गई सांस बराबर है, बिल्कुल शांति से, जोर से सांस नहीं लेना है। तीन बार एक साथ ओम का उच्चारण करिए। पूजनीय माता जी की जय। पूजनीय माता जी की जय।